ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर ख़ान और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो दीदी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब शाहिद इकबाल चौधरी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नाज़रीन, अगर आप जे के डी डी से मुतलिक कोई सवाल पूछना चाहती हों तो आपके लिए दो फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टी स्क्रीन के बॉटम पर आपको क्रॉल करते हुए दिखाई देंगे। शायद साहब, आपका खुश आमदीद है प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि एक जनरल लोगों में एक फीलिंग है कॉरपोरेशन के बारे में, जितनी भी हमारे स्टेट में कॉरपोरेशन है, कि दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल फाइनेंशियली या अदरवाइज जो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपकी कॉरपोरेशन जो है जे के टी डी सी, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ और इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में आप ज़रा बताएं। जे के टी डी सी का इनफैक्ट जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है। एक तो ये है कि आप स्टेट को कैसे शोकेस करते हैं, टूरिज़म को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑफकोर्स एक मेजर कंसर्न हमारे लिए है, और शायद जे के टी डी सी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में से एक वाहिद कॉरपोरेशन स्टेट में होगी जो प्रॉफिट अर्निंग है जी। हम इस वक्त लॉस में नहीं हैं। एक तो जो अगर पिछले साल की भी हम बैलेंस शीट की बात करें, उसमें भी हमने सेविंग की है, उसमें प्रॉफिट अर्न किया है, नई प्रॉपर्टीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है। इसी तरह से लगभग 95 करोड़ की हमने रिकवरीज जो होम डिपार्टमेंट और स्टेट्स डिपार्टमेंट से इस साल जो हमारा क्लेम अप्रूव हुआ है, उसमें भी लगभग हम 100% इंक्रीज पे इस साल में जा रहे हैं। और टूरिज्म का भी जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट पिछले कुछ सालों में जे के टी डी सी में आई जी। टूरिज्म का अगर देखा जाए तो आप कमर्शियल विंग है टूरिज्म की हमारी रियासत में, तो एक तो वो है कि कितना रेवेन्यू इस साल के लिए जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें क्या रही आपकी रेवेन्यू अर्निंग्स, क्योंकि अभी अनलेस भी चल रहा है पिछले 3-4 महीने से। इसमें पहले मैं अगर पिछले साल का आपके साथ डिस्कस करूं तो 54 करोड़ रुपीस हमारा टोटल अर्न किया था हमने, जो टोटल हमारा रिसीट्स थी 2015-16 में। 2016-17 में क्योंकि अनरेस्ट भी रहा है लगभग पिछले 100-110 डेज में, रफली 5-10% के बियॉन्ड हमारे पास बिजनेस नहीं आया है जी। तो कुल मिला के कोई 7-8 करोड़ रुपए हम डाउनफॉल पे अभी हैं। बट जैसे बहुत सारी जगह पे ये कंपनसेट हो जाता है, जम्मू प्रोविंस में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेह में हैं, और कुछ एरियाज में थोड़ा बहुत बिजनेस कश्मीर में भी रहा है, तो लगभग 7-8 करोड़ का लॉस हमें अभी तक फेस किया है इस साल में। जी जी। अच्छा, ये जो जनरल एक फीलिंग है आपकी कॉरपोरेशन के बारे में कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी मुलाजमीन को किराए पर देते हैं, उनसे किराए लेते हैं, तो एक तरफ से जो आपका आपकी जो अर्निंग है इट इज़ फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो इससे ये तो नहीं लगता है कि आप टूरिज्म से कुछ कमाते हैं, टूरिज्म फुटफॉल से कुछ कमाते हैं। आप देखें, मैं इसको इस पे आने से पहले एक एग्जांपल दूंगा कि एक अगर एम्प्लॉई होता है बहुत कम सैलरी लेने वाला, जो महीने की 20,000 या 30,000 सेविंग करता है, वो भी 30,000 एक जगह पे सेव नहीं करता है, वो कहीं सिक्योरिटी में, कहीं बॉन्ड्स में उसको करेगा, कहीं फिक्स डिपॉजिट में करेगा, कहीं लैंड में करेगा, ताकि जो रिस्क है वो बैलेंस हो जाए। जे के टी डी सी का भी ऐसे ही है कि जैसे अभी आप देखें कि लगभग पिछले 106 डेज से कश्मीर में हमारे पास कोई बिजनेस नहीं आया, टूरिस्ट नहीं था। अगर हम इस किस्म की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना रखें तो एम्प्लॉयज की सैलरीज देना, बाकी जो हमारे खर्चे हैं वो पूरे होना बड़ा मुश्किल है। सर, हम बात अभी थोड़ी देर में करेंगे फिर से। वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन। हेलो। हेलो, सलाम। वालेकुम सलाम। कौन सा, कहाँ से सर? जी, मैं पुलवामा से जायद सर बोल रहा हूँ। जी जायद फरमाएं। मैं शाहिद साहब से एक जानकारी जानना चाहता हूँ। शाहिद साहब, मुझे बताइए सर, जो आपके टीडीसी के जो हट है सर, मतलब यूसमर्ग में है, गुलमर्ग में है, बहुत सारी जगहों पे है। एक्चुअली सर, हम पुलवामा से, हमारे जो नजदीक यहाँ टूरिस्ट नजर पड़ता है वो यूसमर्ग है सर। मोस्टली सर मैं, हम वहाँ पर नाइट को जाते हैं, वहाँ पे बुकिंग करते हैं हम। मैं पिछली बार अपने दोस्तों के साथ गया था, लेकिन मैंने काम कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा वहाँ पे। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर यूट्यूब मतलब गूगल पे आपका रेट 4,200 रुपये है, 3,000 रुपये है, लेकिन वो कभी 1,800, किसी से 800, किसी से 1,200 रुपया, और मनमानी जो मर्जी, जैसे उनका अपने बाप का है वहाँ पे। मैंने आज तक किसी ऑफिसर को वहाँ पे, ऑफिसर को चेकिंग करते हुए नहीं पाया। वहाँ पे जो लांगरी है वही वहाँ का MD है। मैंने सर बहुत बार ही मतलब वहाँ के एक मैनेजर के पास गया, मैंने उसको कंप्लेंट की इस तरह मसला है, किसी से ही 1,200 रुपये लेते हैं, किसी से 2,000 रहता है। जी जी। बोला यहाँ का MD हम खुद ही है, आपको जिसके पास जाना। एक्चुअली उसने फारूक अहमद शाह साहब से मैंने उनके वहाँ पे कंप्लेंट डाली थी, लेकिन आज तक उसका मतलब कोई, आज ही ऐसा का ऐसा चल रहा है। आप वहाँ चक्कर मारे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आपके रात के 10 बजे वहाँ देखिए बुकिंग किस तरह होती है, 200 में भी होती है, 10,000 में भी होती है।
ऐसे इलीगल सर। जी जावेद साहब जी, बड़ा अच्छा सवाल है इनका। इनफैक्ट जब आपकी कॉरपोरेशन इतनी बड़ी होती है, जब आपकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को इस किस्म की तकालीफ का भी सामना करना पड़ा होगा। बट जहाँ तक कॉरपोरेशन की मैनेजमेंट का सवाल है, इंस्पेक्शन का सवाल है, हम रेगुलर इंस्पेक्शन आपने जो विजिलेंस विंग से करते हैं, मॉनिटरिंग विंग हमारा करता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती रहती हैं, हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर आती हैं, टेलीफोनिकली आती हैं, और लगभग 110 कंप्लेंट्स जो हैं पिछले 4-5 महीने में हमने खुद डिस्पोज की हैं। तो जहाँ भी अगर किसी इस किस्म का आपके चैनल के माध्यम से, इसके ज़रिए से मैं जितने टूरिस्ट हजरात हों या लोकल लोग हों, उनसे भी मैं कन्वे करना चाहूँगा कि जहाँ भी किसी किस्म की माल प्रैक्टिस देखें, क्योंकि हमारे अपने ही ये लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया है, जहाँ भी कहीं इस किस्म की कोई दिक्कत आए तो वो हमें मेल कर सकते हैं, हम उनको अपडेट करेंगे क्या कार्रवाई हमने की। जी सर, हम वो बात कर रहे थे, तो वो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे हमारे पास चश्मेशाही की हट्स हैं, हमने इस बार एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि जो आपके पास 80 के करीब हट्स चश्मेशाही में, इस बार हम ऑफिसर्स को नहीं देंगे। हालांकि आपकी मोनोपोली है उस एरिया में, क्योंकि प्राइवेट नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स को हमने नहीं दी जी। इस बार हालात खराब रहे और एक भी हट उनमें से नहीं लगी। अच्छा। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको जरूरी है कि 80 में से 10 या 20 हट्स आपकी ऐसी हों जो आपके रेगुलर इनकम दें, जैसे होम डिपार्टमेंट को हम देते हैं, स्टेट्स को देते हैं, अभी हमने एजी ऑफिस से अप्रोच किया, तो मिनिमम 20-25% आपको रखना पड़ता है कि कहीं अगर सपोज कल टूरिस्ट नहीं आता है, फुटफॉल कम होता है, आपको एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस है, पावर का एक्सपेंडिचर है, वाटर सप्लाई का एक्सपेंडिचर है, तो उनको मीट करने के लिए कॉरपोरेशन की ये पॉलिसी है कि लगभग 20-25% हम जो है वो इस किस्म के फिक्स्ड एमओयूज में रखे हैं हम। जी, जो आप उनसे किराया लेते हैं जी, जो आप नॉर्मली टूरिस्ट को हट देते और एक महीने के लिए उससे मान लीजिए अगर जो डेली हिसाब से देखा जाए 30 दिन का काउंट करें, उतना वो पैसा देते हैं जिनको? नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि टूरिस्ट जैसे आपके पास आएगा तो उसमें 2 दिन के लिए आएगा, वो 4 दिन के लिए हट आएगा, महीने में एवरेज आपकी हट 10 दिन लगती है जी। तो जब हम गवर्नमेंट को देते हैं तो 6 मंथ्स के लिए होती है, जब गवर्नमेंट जब दरबार मूव कश्मीर में होता है तो उसका रेट टूरिस्ट से थोड़ा कम होता है, लेकिन आपके पास एक अश्योर्ड बिजनेस 180 डेज का होता है, जिससे आप बाकी प्रॉपर्टीज की मेंटेनेंस कर सकते हैं, उनको फंड करके टूरिस्ट को आप जो बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। शायद साहब, आपको एक हिसाब से देखा जाए बैठे बैठे आपको ये पैसा मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग के लिए आपके लोग काम नहीं करते फिर? मार्केटिंग के लिए भी हम कर रहे हैं, इसमें आप देखें कि लगभग 12 करोड़ रुपया स्टेट के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर और जम्मू को दिया जाता है, क्योंकि JKTDC एज सच अपनी एडवर्टीजमेंट लिमिटेड रखती है, जैसे हमारे पास ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो होती हैं वो हैं, या इश्तहारात हम देते हैं प्रेस नोट्स वगैरह के थ्रू जाते हैं, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका ये मैंडेट है, वो आप अक्सर आप देखें विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री भी इस किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं, और वहाँ से हमारे पास एक क्योंकि JNK में जब आपको टूरिस्ट लाना है तो आपको एक वो माहौल भी बनाना है, बताने के लिए कि हालात उतने ख़राब नहीं है जितने TV पे या मीडिया में हम देखते हैं जी। तो एडवर्टीजमेंट पे भी एक जो हमारी कमेटी है हेडेड बाय सेक्रेटरी टूरिज्म, वो एक रेगुलर उसमें काम करती है। अब की जो हालात रहे, इसके बाद जो आपको अपनी लोकेशंस बेचनी है या जो पब्लिसिटी करनी है बाहर, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा। इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे इस बार हालात ख़राब रहे, लगभग अब 4 महीने के करीब वक्त होने लगा है जी, जब इतना एक बैड प्रेजेंटेशन नेशनल मीडिया में या बाकी जगहों पे आ जाता है, फिर टूरिस्ट उस साल का तो आपका नुकसान हुआ, बट ये आपका नुकसान सिर्फ उसी साल का नहीं रहता है, ये आगे भी इन्फ्लुएंस करता होता है। जब 2017 के समर में आपको टूरिस्ट को लाना है बहुत दिक्कत आएगी, 18-19 तो जब पब्लिक की मेमोरी की शेल्फ लाइफ जो है उसको देखते हुए बहुत सारे साल लग जाते हैं। जी सर, जी सर। तो उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो इसका इम्पैक्ट है वो मिनिमम हो। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज प्राइम लोकेशन पे हैं उनको आउटसोर्स किया जाए। अभी आपने पुलवामा से एक शिकायत सुनी कि हम वहाँ पे गए थे, कोई किराया 1200 ले रहा है, कोई 1800 ले रहा है, तो जैसे पहलगाम में हमारे पास क्लब है, लेह में हमारे पास अकोमोडेशन है, क्लब है, जम्मू में कुछ बार एंड रेस्टोरेंट वगैरह हैं, उनको हम टॉप ब्रांड्स जो हैं उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, अगेन एक लिमिटेड पोर्शन, सारा नहीं, ताकि एक उसी रेट पे क्वालिटी सर्विस एक अश्योर्ड ब्रांड आपको दे सके, इस किस्म की शिकायत भी नहीं आएगी, कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू मिलेगा, वहाँ से जो हमारे एम्प्लॉयज स्पेयर होंगे वो हम दूसरी जगह उनकी सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं। इस किस्म का हम काफ़ी जो प्लान हमारे इन पाइपलाइन है, जैसे हमने पहलगाम के क्लब को आउटसोर्स का टेंडर निकाला है, इसी तरह चश्मेशाही में 20 हट्स का आउटसोर्स करने का है, लेह क्लब का है, जम्मू में कुछ बार्स वगैरह और इस किस्म की अकोमोडेशन हम आउटसोर्स कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पहलगाम क्लब आउटसोर्स कर रहे हैं जी, इसका फैसला हुआ है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये ऑनलाइन जो आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज, तो किस तरह का? ऑनलाइन का ये है कि हमारी एक वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही थी जिसमें हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी कि उसका एक पब्लिक इंटरफेस उस किस्म का नहीं था, जैसे एक ऑनलाइन पेमेंट वगैरह उस पर करनी है वो नहीं थी हो सकती, आप ऑनलाइन बुक करके फिर उसमें दिक्कत आती थी। अब हमने एक अपना वेब पेज और अपनी नई वेबसाइट हमने तैयार की है जो हम मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के एंड में रिलीज़ करेंगे, फिर मोबाइल बेस्ड iOS और एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन हमने की हैं ताकि अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड करें, जो भी JKTDC की नई ऑफर्स आएंगी, नई प्रॉपर्टीज आएंगी आपको उस पे वो आ जाएंगी, आप अपने मोबाइल से बुकिंग कर सकते हैं, इजी पेमेंट कर सकते हैं।
तो रीजनल और नेशनल बैंक्स के साथ हमने टाई अप किया है, रेलवेज के साथ किया है, इसी तरह से जैसे सेक्रेटरी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी हम ट्रैवल डेस्क दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें हम वेबसाइट में करके उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। जी जी, वी हैव कॉल ऑनलाइन सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? मैं जावेद अहमद बोल रहा हूँ सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन का और ये प्रोग्राम आपने नशर किया है। जो JKTDC की हाथ है बहुत सारी जगह पे जो उनकी फैसिलिटीज है सर, वो आपने इंक्लूस नहीं रखी है। आजकल जो मॉडर्न लाइन्स है इंटरनेशनल लाइन्स पे इंक्लूसिव टूरिज्म होना चाहिए। व्हील चेयर जो टूरिस्ट आते हैं, डिसेबल टूरिस्ट आते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम जाएंगे नई डेवलप्ड अथॉरिटीज जहाँ बनी है वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, कोकरनाथ साइड या देरीनाग, तो उन वहाँ पे जो आपके हादसा है वो बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है। जबकि टूरिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं और वो चाहते हैं कि इन जगहों पे रहे, तो प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान में दीजिए कि वो इंक्लूसिव और जी जावेद साहब, ये बहुत अच्छा इनका सवाल है और गवर्नमेंट की बड़ी प्रायोरिटी इसमें रहती है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखें, मिनिस्ट्रीज की तरफ से स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स भी मिलते हैं। जो प्रॉपर्टीज के उन्होंने नाम लिया बेशक वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज की हैं, बट टूरिज्म में हम सब की पार्टनरशिप है, तो मैं जरूर उनसे भी टेकअप करूंगा। जहां तक JKTDC का है, हमने शुरुआत की है, जैसे हमारे शहर में जितनी भी अकोमोडेशन है उनमें हम लिफ्ट्स वगैरह लगवा रहे हैं ताकि उसमें जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं जिनको अभी इन्होंने डिसेबल्ड भी कहा, तो वो उसमें जा सकते हैं। वाकई इस चीज़ की जरूरत है, हमारी हार्ट्स में भी, पहलगाम क्लब में भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। जी जी, तो जो भी नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं उसमें तो ये बनता है, एक्सेसिबिलिटी बना रहे हैं। जी जी सर, नए इनिशिएटिव्स क्या ले रहे हैं आप? जी उसमें एक तो सबसे पहले था कि हमारी प्रॉपर्टीज की अपग्रेडेशन, क्योंकि हमारी हट्स जो है 1970s से जब से कॉरपोरेशन बनी है तब से अलग अलग मॉडल्स की, अलग अलग डिजाइन की हट्स बनी रही हैं। आप श्रीनगर शहर की बात कर लें या गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग वगैरह जहाँ भी हमारी प्रॉपर्टीज थी उसकी हमने अपग्रेडेशन की है, क्योंकि जब आपके पास आप टूरिस्ट को लाते हैं तो वो मॉडर्न फैसिलिटीज वहाँ पे देखता है, उसको वो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी हमने क्रिएट की हैं। फिर जम्मू में हमारा पत्नीटॉप सनासर का जो सर्किट है वहाँ पर इम्प्रोवाइज़ किया है, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी इको टूरिज्म के रिजॉर्ट्स प्लान किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 महीने में कुछ काम नहीं हुआ, तो हमने बसोली कठुआ डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फर्स्ट इको टूरिज्म रिजॉर्ट वहाँ पे प्लान किया है। लगभग 4 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपको ज़मीन की कीमत नहीं देनी पड़ती है, और फॉरेस्ट लैंड में आपको पता है कवानीन बड़े सख्त हैं, उसको ट्रांसफर करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, तो बड़ा ईजी हमने वे आउट निकाला है। तो इस बार, इस साल का हमारा ज़्यादा जो फोकस था वो अपनी प्रॉपर्टीज की अपग्रेडेशन पे था। जी, फिर प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हमने कुछ नए प्रोजेक्ट लिए हैं लेह और कारगिल में। जैसे नूनकुन का जो बेस कैंप है वो है कारगिल में है, और ये जो हमारी नेशनल हाईवे है बिटवीन श्रीनगर एंड कारगिल, जी, जी, जी। इसमें रास्ते पे 2-3 जगह हम अपनी प्रॉपर्टीज इस बार बनाना शुरू कर रहे हैं। कारगिल में कुछ बना रहे हैं आप? कारगिल में इस बार हम बना रहे हैं, वो नूनकुन के नाम से हम रेस्टोरेंट वगैरह बना रहे हैं, वहाँ अकोमोडेशन है, 20 रूम होटल्स हैं। जी। उसके बाद श्रीनगर में हमने क्रूज और मोटर बोट्स को इंट्रोड्यूस करना था इसमें, और क्योंकि हमारी मोटर बोट्स वगैरह आ चुकी हैं, क्रूज भी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल करने का वेट कर रहा है। जैसे ही हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे, क्रूज आपके पास आए हैं? जी जी, क्रूज हमारे पास एक आ गया है और मोटर बोट्स हम 4 जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 25 सीटर मोटर बोट्स यहाँ पे। जी जी, कुछ हद तक झेलम के लिए भी और जो हमारी डल लेक है इसके लिए। शायद साहब, टोटोग्राउंड जो लैंड आपको मिली थी गवर्नमेंट को, इसके बारे में आपकी क्या प्लान्स? इसको हमने सिटीजन पार्क बनाने का एक प्लान दिया था। पहले हमने टेंडरिंग की, इसमें आर्किटेक्ट एक मुंबई बेस्ड फर्म है, उनकी जो प्रेजेंटेशन और उनकी बिडिंग जो बेस्ट एमर्ज होके आई, उसके बाद उनकी टीम आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो श्रीनगर में स्टेशन है पिछले 3 दिन से। जी जी, पूरा इसमें हमने एक सिटीजन एक हेरिटेज पार्क बनाने का, जैसे उसमें एक सैफरन जो हमारा यहाँ है फेमस है उसके लिए, तो एक सैफरन सफारी बनाया है कि आप लर्न करते हैं रास्ते में, आप पढ़ते हैं सैफरन के बारे में लिखा हुआ है, आप नंगे पांव चलते हैं तो आपका जो अक्यूप्रेशर है वो आपको मिलता है। जी जी। बच्चों के लिए उसमें बोट्स हैं, हेरिटेज वॉक है। तो अब हालात ठीक होने के बाद मैं समझता हूँ कि 1 से 1.5 साल में हम इसको एक बड़ी पार्क की शक्ल में यहाँ दे सकते हैं। तो मुगल गार्डन के बाद आपके पास ट्यूलिप गार्डन यहाँ बना है, और उसके बाद मुझे लगता है अपनी नौयत का वाहिद ये पार्क आपके पास कश्मीर में होगा। जी, ये जी। इसके मतलब कब तक प्लान आपने रखा है, ये कब तक? हमें तो काम इस बार ही जुलाई में हमने शुरू किया था। मतलब ले लिया है आपने एरिया? ले लिया है एरिया, हमने ले लिया। इसमें हमने सबसे पहले तो इसकी लेवलिंग की है, उसके बाद इसकी कंपाउंड वॉल हमने कर दी है, वाटर सप्लाई का कर लिया है, क्योंकि ये सम्प था जिसमें पानी की कलेक्शन बहुत ज्यादा रिटेन करके रखी थी लैंड में। जी जी, तो क्योंकि उस पानी को आप निकालेंगे फिर बनाएंगे तो आपकी लैंड फिर से नीचे बैठने लगती है, तो उसको माउंट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए उसमें हमने काफ़ी काम किया। लगभग 3 करोड़ अभी तक हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है।
तो हालात ठीक होने के बाद इसको मैं समझता हूँ कि साल सवा साल तक लगना चाहिए कि आपके पास एक बहुत खूबसूरत पार्क यहाँ दिया जा सकता है। ये जो क्रूज की आप बात कर रहे हैं शायद सब की, ये जो ये झेलम के लिए है या डल लेक के लिए? इसमें दोनों के लिए, हमारे पास जो मोटर बोट्स हैं वो स्पेसिफिकली डल लेक के लिए हैं, क्रूज जो है वो झेलम के लिए है क्योंकि अब इसमें ड्रेजिंग भी हो रही है 16 लाख मिलियन क्यूसेक जो उसमें निकाल रहे हैं ये, और उसके बाद आपके पास वाटर का लेवल भी अच्छा होगा तो ये झेलम के लिए हमने प्रोक्योर किया। अच्छा, मतलब उसके बाद वो उसमें जी जी वो चल अभी भी इस कंडीशन में भी अच्छा चल सकता है वो जी। अच्छा, ये जो चश्मेशाह की हट्स हैं या और भी जगहों पर आपकी हट्स हैं, पिछली सर्दियों में मतलब पिछले साल में कुछ जगहों पर फायर एक्सीडेंट्स हुए थे, कुछ सड़कें जली थी, तो वो फिर से दोबारा बनी है कि नहीं? जो बर्न केसेस हमारे हुए थे जहां आग लगी थी, फायर केसेस सॉरी जो हुए थे वहां तो बनी है। जैसे हमारे पास एक बानिहाल में थी, उसमें एक आग लग गई थी, उसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ था। गुलमर्ग में एक हुआ था, एक श्रीनगर सिटी में हुआ था। अब हमने उसके बाद, उससे पहले भी रादर काफी प्रॉपर्टीज में इंश्योरेंस था, इस बार भी सभी प्रॉपर्टीज में हमने इंश्योरेंस किया है। अनफॉर्चुनेटली अभी पिछले दिनों पामपुर में एक हमारी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी, एक रेस्टोरेंट हमने बनाया था अभी 60 लाख रुपया खर्च करके, तो इसी एजिटेशन में कुछ लोगों ने उसको जला दिया। अच्छा। लगभग एक महीना पहले, क्योंकि ये लोगों की प्रॉपर्टीज है, मुझे पर्सनली दुख भी है उसका कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फायर सेफ्टी का भी हम रखते हैं, इंश्योरेंस का भी रखते हैं, बट अगेन कितने अच्छे से हम या लोग मैनेज कर सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। शायद साहब, ये जो आपकी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जब कभी किसी टूर ऑपरेटर से बात करें जो आपकी इन प्रॉपर्टीज़ को सेल करते हैं, उनका मानना है कि जो अपकीप है या मॉडर्न फैसिलिटी जैसे आप बात कर रहे थे, उसकी कमी है। तो उस सिलसिले में हर जगह के लिए वो चाहते हैं कि किस तरह का ध्यान दिया जाए। इसमें मैं एक एडमिट करूँगा इस चीज़ को कि इम्प्रूवमेंट बेशक हमारी कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, हम जिस पोजीशन पे आज हैं अगले हफ्ते उसको और इम्प्रूव करेंगे, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो मैक्सिमम स्टाफ है वो है जो 20 साल 25 साल पहले जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, लेकिन उनकी कैपेसिटी के हिसाब से आप देखेंगे तो वो बेस्ट कर रहे हैं। उनको आप कितनी भी ट्रेनिंग करवाएंगे, आप उनको बेसिक क्योंकि लिटरेसी भी आपको देने की ज़रूरत है। तो उसमें हम एक जम्मू में हमने प्रैक्टिस शुरू की थी कि हम नए लोग रिक्रूट करने की जगह ये चीज़ें जो हैं वो आउटसोर्स करें, लोगों को एम्पैनल करें। जिस तरह आपने एक प्रॉपर्टी चलानी है उसके लिए आप शेफ लेते हैं, मैनेजर लेते हैं, वेटर लेते हैं, आप कॉर्पोरेशन में परमानेंट एम्प्लॉय क्रिएट करने की जगह इसको आप एम्पैनल करें लोगों को जो आपको सर्विसेज दे सके। जी जी। और अपने एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी हम चीज़ें कर रहे हैं ताकि उनको भी थोड़ा बूस्ट मिले इसमें अपग्रेड करने के लिए। एम्प्लॉयज वेलफेयर पे मुझे भी थोड़ी देर में बात करनी है, वैसे पहले रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए। बच्चन जी। बोलो बच्चा जी। आपने वो फिल्म कुली की थी ना? कुली? हाँ कुली थी। तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे। हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है? इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है। गलत जवाब। हाँ? वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर। सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए। सर वी हैव अ फोन कॉल, पहले फोन कॉल करते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ मुझे यार ये है, अरे अपना तारुफ दें, अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अब्दुल मजीद है जी। कमर वारिस यार उसका नाम हूँ जी। फरमाइए। अभी आप ये तस्करा कर रहे थे जहलम और दल का, स्लाइटली लाउड प्लीज, स्लाइटली थोड़ा सा लाउड। जहलम का जहाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें क्या हो सकता है टूरिज्म, ये तो हर तरफ से आलूदा है, दाएं बाएं उसके ह्यूमन एक्सक्रेटा जो होता है फजला होता है, तमाम गंदगी उसमें जाती है। किसमें? और फिर शहर में जितना भी निकलता है फजला वो उसमें जाता है। वो कहाँ जाता है? किसमें? वो कहाँ से साफ होगा, उसकी ड्रेजिंग क्या होगी, खाक होगी, कहाँ उस पर टूरिज्म हो सकता है? मतलब जहलम की आप बात कर रहे हैं? जहलम में जी। अच्छा, इस पर बड़ा, मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा सवाल एक सिटीजन की तरफ से आया है, और अल्टीमेटली हमें ये देखने की जरूरत है कि सिर्फ कानून पास करने से या जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देने से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, शहर को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, जब शहरों में और गाँव में अगर हमें
इतनी मुहिम चलाने की जरूरत पड़ती है कि एक प्रोग्राम को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं कि आप घरों की सफाई करो. मेरे बुजुर्ग जिन्होंने ये सवाल उठाया, मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि क्या वजूहत रही, क्या हालात रहे कि हमारे कंट्री के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को खुद कहना पड़ा कि आप अपने घरों की सफाई रखें, आप जो वेस्ट डिस्पोजल है वो ठीक करें, सुप्रीम कोर्ट को इतने सख्त जजमेंट्स देने पड़े, लेजिस्लेचर को इतने सख्त कानून लाने पड़े. इसमें सभी लोग हम फॉल्ट पे हैं कि जब पॉलिसी प्लानिंग होती है अगर उसकी वायलेशन हो जाती है तो ऑब्वियसली हम लोग फॉल्ट पे हैं. फिर जब वेस्ट डिस्पोजल की अभी उन्होंने बात की, तो आप शहर में खुद देखेंगे कि लोगों के जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, उनका एग्जिट सीधा उन्होंने लेंस में, ड्रेन्स में रखा हुआ है. तो इसमें अगर मैं समझूंगा हमारा कलेक्टिव फेलियर है बड़ा अच्छा. उसने कहा कि JKTDC का ये मैंडेट नहीं है. अगर हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, हमारे रिजॉर्ट्स हैं, उसके अंदर अगर आपको कोई गंदगी मिलती है, कहीं कोई सफाई नहीं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं. उसमें मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहां भी हमारे रिजॉर्ट्स हैं, जैसे चश्मे शाही में है, गुलमर्ग या पहलगाम में है, गुलमर्ग में एसटीपी की बड़ी कमी थी, एसटीपी का भी अभी हमने किया, हमने फंड्स दे दिए एसटीपी के लिए, हमने इससे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 6 महीने का और टाइम लिया था. अब गुलमर्ग में देखें, वहाँ इंस्टॉलेशन हमारा अभी चल रहा है. तो जहां जहां भी मैंडेटरी था एसटीपी, वो हम कर रहे हैं. लेकिन जैसे आप डल लेक की आप बात करें कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी वहां पे देखती है, कोर्ट ने वहां कमीशन एक मुकर्रर किया कि आप इसकी सफाई देखें, तो अल्टीमेटली पब्लिक का, हम सब का मिलके ही उसमें है कि उसको संभाल के अगर हम रखें. सर, वी हैव कॉल ऑनलाइन. हेलो 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 जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. अपना तारुफ दे जनाब पहले. हेलो, अपना नाम बताएं. मुश्ताक अहमद है मेरा नाम जी. मुश्ताक साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं क्यू से बोल रहा हूँ सर. जी फरमाएं. मुश्ताक अहमद है मेरा नाम. जी जी फरमाएं, पूछे. क्यू से बोल रहा हूँ मैं सर. तो मेरा क्वेश्चन है इनसे, जो वहाँ पे साहब बैठे हैं डायरेक्टर साहब, कि यहाँ पे मैं क्यू के नजदीक हमारा एक एरिया पड़ता है भापसाब एरिया, तो जो टूरिस्ट प्लेस, मतलब सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस वहाँ पे बन सकता है, लेकिन इसके बारे में सवाल क्या है कि वो पूरा एरिया जो है वो आर्ट पे हुआ है सीमेंट इंडस्ट्रीज से, या वहाँ पे माइनिंग हो रही है जो हाई लेवल पे हो रही है. तो कुछ साल पहले आपने कहा था कि हम वहाँ से कोई गंडोला उठा लेंगे, तो उससे यहाँ का टूरिस्ट, मतलब जो एटमोसफेयर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा और बेहतर बढ़ भी जाएगा. लेकिन उसको छोड़ के उनको एलो किया गया, जिसकी वजह से पूरा एरिया वहाँ का, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूरा डस्ट के नीचे ही आ रहा है. तो इसके लिए कोई एग्जाम नहीं उठाया जा सकता है, मतलब हम फिर लेट फिर कोई एग्जाम उठाए थे, मतलब पहले अनाउंस करते हैं 7 साल पहले कि हम यहाँ ये कर लेंगे, लेकिन फिर ऐसे मतलब एक्शन करते हैं कि जिसकी वजह से वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होता है. फिर हम कहते हैं 10 साल पहले बैठ के ये हमें ऐसा करना चाहिए था. तो डायरेक्टर साहब से ये मेरा क्वेश्चन है कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले तो इनको, आपके कॉल को क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं JNK टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, जिसका प्योरली जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है हमारी, उनको ऑपरेट करना होता है. बट जो उन्होंने सवाल किया है, क्योंकि मैंने क्रू में खुद भी विजिट किया है और एज स्टूडेंट स्टडी भी की है वहाँ पे, बहुत बार मैंने विजिट भी किया है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैटर ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट की कंसिडरेशन में भी वो रहा है. बहुत ज़्यादा मैसिव वहाँ पे जो माइनिंग रही है. बट जहाँ तक गंडोला वहाँ लगाने का सवाल है, जब भी आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, एक तो उसमें मैसिव फंडिंग की ज़रूरत है. हम दूसरी कंट्रीज़ में देखते हैं, पिछले दिनों में जॉर्जिया, आर्मेनिया में मैं देख रहा था कि वहाँ जो रशियन टाइम की केबल कार्स लगी हुई हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट ने नहीं लगाई, गवर्नमेंट ने एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर दिया वहाँ पे, और जो बिजनेसमैन थे उन्होंने वहाँ लगाई, उससे प्रॉफिट भी अर्न किया. अभी आप देखें कि पत्नीटॉप का हमारा रोपवे था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रहा, लगभग 12 साल के बाद उसमें अब काम शुरू होने जा रहा है. तो ये जो इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ रोल रहता है, बट उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो आना बड़ा जरूरी है. उसके लिए माहौल कैसा है, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उस किस्म का माहौल भी बने कि लोग हमारे पास आ सकें. इसी के साथ साथ लगभग 8 से 9 बड़े ब्रांड्स हमारे पास होटल्स के, जो कश्मीर में एक्टिवली काम कर रहे थे, वो विड्रॉ करने का इन दिनों में सोच रहे थे. हमने उनसे भी एक मीटिंग रखी कि आप विड्रॉ ना करें, ये टेम्परेरी फेस है, पीस भी आएगा, हालात ठीक होंगे, नॉर्मलिटी होगी. तो क्रू का वाकई ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी कॉग्निजेंस ली है. इमीडिएटली तो वहाँ टूरिज्म डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कुछ करने की जरूरत है, बट एटलीस्ट जो डैमेज हुआ है एनवायरनमेंट को, उसको करने के लिए, क्योंकि मैं इस चीज़ से वाकिफ हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी उसमें काम कर रहा है. उसमें सीमेंट फैक्ट्रीज का भी बहुत सारी हैं, उसमें सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि वो जो लैंड दी है वो लीज पे पूरा एरिया दिया जाता है. फिर उसमें CCTV मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, जिसपे ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें काफी. सर, वी हैव अ कॉलर फ्रॉम कठुआ. हेलो 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 जी. हाँ जी सर जी, अपना तारुफ दें, कहाँ से बोल रहे हैं आप, कौन सा? सर, मैं राजीव सिंह बोल रहा हूँ, कठुआ से. जी फरमाएं. हाँ जी सर,
पूछिए पूछिए थोड़ा सा लाउडर। हेलो सर, मैं बसोली गया था सर, आपका जो वहाँ पर रिजॉर्ट है। हाँ, कुछ साफ नहीं आ रही है आवाज़ आपकी, थोड़ा सा लाउडर। हेलो जी सर, मैं बसोली गया था तो वहाँ पर सर रिजॉर्ट है सर, वहाँ पर स्टाफ नहीं होता और सफाई नहीं होती, तो मेरे से बात नहीं करते वहाँ पर। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बसोली में हमारा कोई भी रिजॉर्ट अभी तक नहीं है। एक सांखी फॉरेस्ट करके है बसोली से 12 किलोमीटर आगे, वहाँ हम एक नया रिजॉर्ट प्लान कर रहे हैं, बट एज ऑन डेट JKTDC का कठुआ में एक हीरानगर से लगभग 10 किलोमीटर आगे एक बार और रेस्टोरेंट है, उसके अलावा कठुआ में कोई प्रॉपर्टी JKTDC की नहीं है, वहाँ पे अभी हमारी प्रेजेंस नहीं है। अभी प्रेजेंस बनाने जा रहे हैं, जब बनाएंगे तो होपफुली आपको अच्छा वहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा। शायद सब थोड़ी देर पहले हम एम्प्लॉइज बेनिफिट की बात कर रहे थे, आप एम्प्लॉइज के बारे में कुछ आपने अच्छा सोच रखा है। एम्प्लॉइज का क्योंकि लगभग हमारे पास 1100 के आसपास टोटल स्ट्रेंथ है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज ज्यादातर खुश नहीं रहते, कुछ उनको अच्छी खबर सुनाई। हाँ नहीं, फॉर्चुनेटली हमारी कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो इस महीने में काफी खुश हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की हैं। सबसे पहले तो इनका ग्रेचुटी का मुद्दा रहता था कि जब अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, या जब रिटायरमेंट पे जो एक लमसम अमाउंट मिलता है आपको, वो 3.5 लाख रुपए मिलता था। तो सेंटर ने एक एक्ट पास किया जो सभी कंपनीज पे लागू होता है कि आप 3.5 से बढ़ा के 10 लाख किया जाए। तो JKTDC फर्स्ट कॉर्पोरेशन है स्टेट में जिसने अभी पिछले महीने वो 3.5 लाख से 10 लाख कर दिया जी, है जी, जी। जिसमें से लगभग हमारे 250 के आसपास रिटायरीज हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा, और 900 के आसपास सर्विंग एम्प्लॉयज हैं हमारे जिनको बेनिफिट मिलेगा 3.5 लाख से 10 लाख होने का। दूसरा, सिक्स्थ पे कमीशन के एरियर्स किसी भी कॉर्पोरेशन को नहीं थे मिले, क्योंकि जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि कॉर्पोरेशन लॉस में चल रही है, जब लॉस में चलेंगे तो एरियर्स नहीं दे सकते हैं। तो हमने एक फर्स्ट स्टेप लिया इस महीने में कि 20% हमारी जो रिसीट्स हैं वो रिजर्व कर दें एम्प्लॉयज को सिक्स्थ पे कमीशन एरियर देने के लिए। लगभग 300 के आसपास जो हमारे रिटायरीज हैं उनको हम इस महीने से सिक्स्थ पे कमीशन की इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर रहे हैं, बाकी जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको सर्विस के साथ कंप्लीट हमने कैलकुलेशन कर रही है, और लगभग 12 करोड़ का इसमें हम पे, मैं बर्डन तो नहीं कहूंगा बट हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है 12 करोड़ की, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अर्न किया है। अगर हम 95 करोड़ का हमने पिछले 20 साल में जो पैसा हमें नहीं था मिल रहा, हमने उनके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स निकाल के डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड ला के 95 करोड़ हम अर्न कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेशन को कोई हेजिटेशन नहीं होनी थी चाहिए इसमें 12 करोड़ देने के लिए, तो वो हमने किया। इसमें मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया खास करके अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो चेयरपर्सन हैं इस कॉर्पोरेशन के, तो उन्होंने हर एक चीज़ को जो एम्प्लॉयज़ की डिमांड थी वो जब भी हमने प्रपोजल दिया उन्होंने उसको एग्री किया है। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का हमने किया था कि जहाँ भी अच्छा एम्प्लॉय अच्छा काम करता है उसको आप कुछ इनाम दें 5,000 रुपये, या फिर जैसे एक हमने रूल निकाला कि जो 100% इंक्रीज करता है बिजनेस में, सपोज इस साल बिजनेस हमारा 1 लाख था, अगले साल उसने 2 लाख कर दिया, तो हम उसका 10% एनहांसमेंट का उसको हम एज कैश रिवार्ड देंगे। उसकी वजह से भी मैं देखता हूँ बेशक हालात भी खराब रहे लेकिन जितना भी वो अच्छा लोग कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। मोटिवेशनल फोर्स भी एक बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, कॉर्पोरेशन में हमारे पास सर्विस रूल्स और प्रमोशन रूल्स नहीं थे, तो उसमें सर थोड़ा सा जी फोन कॉल ले लेंगे हम। हेलो 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 जी जी, मुझे एक क्वेश्चन था। अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम आसिफ है शांगस। जी फरमाएं, पूछे सवाल। जी जी, हमारे पास एंशिएंट मोनूमेंट्स होते हैं जी जी, उनको मतलब उन पे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं लिखी हुई होती है। अच्छा जी, मुझे ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मोनूमेंट कैसा है, ये इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। जी ये तो खैर सवाल तो इनका बड़ा अच्छा है, बट क्योंकि जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल मैं इनको कहूंगा कि जैसे हम यहाँ पार्क, हम सिटीजन पार्क टैटू ग्राउंड की जगह जो डेवलप कर रहे हैं वहाँ सैफरन सफारी हमने रखा, तो ये जैफरन आया कैसे कश्मीर में, कल्टीवेशन कैसे शुरू हुई, उसका पूरा हम एक वॉक दे रहे हैं। आप चलते जाएंगे, आप एक नज़र लगाएंगे, आप उसको पढ़ते जाएंगे। इस किस्म की चीज़ें जहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कर रहे हैं, बट प्रॉपर्टीज़ जैसे एंशियंट आपके पास मॉन्यूमेंट्स हैं वो दो तरह के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो टेक ओवर किए हुए हैं या स्टेट के पास किए हुए हैं, दो जो ASI ने टेक ओवर किए हैं वहाँ बाकायदा एज एन SOP वहाँ पे लगा होता है। जी जी जी। अब जो किसी ने टेक ओवर नहीं किए हैं वो स्लोली स्लोली शायद उसमें ASI के लिस्ट में आए तो वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सर एम्प्लॉइज की प्रमोशन की बात चल रही थी, तो प्रमोशन जैसे पॉलिसी हमारे पास नहीं थी और उसकी वजह से बहुत सारे कोर्ट्स में केसेस भी चल रहे थे, तो इस बार मैं खुद ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अपीयर हुआ वहाँ पे, और हमने उनसे कहा कि इनको हम प्रमोशन एवेन्यूज भी देना चाहते हैं और सर्विस जो बेनिफिट्स हैं या सर्विस रूल्स हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, वो भी फाइनलाइज करते हैं। तो अभी इस महीने में हमने बैठ के, जैसे मैंने कहा कि हालात खराब थे, ज्यादा हम बिजनेस नहीं कर पाए, तो हमने कहा एटलीस्ट कॉर्पोरेशन का जो HR है उसको हम सुधार दें,
तो उसमें हमने सर्विस रूल्स भी बनाए हैं इस बार और प्रमोशन गाइडलाइंस भी बनाई हैं और अभी गवर्नमेंट को दिया हमने नोटिफिकेशन के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश भी हैं कॉरपोरेशन के अंदर, और जो हम चाह रहे थे कि उनमें एक नया जज्बा आए, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ हमारा कंपटीशन रहता है तो उसमें अच्छे से काम करें और कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ बढ़ चढ़ के काम कर। शायद साहब, जो भी हिल स्टेशन हैं वहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ आपकी प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टीज़ हैं और आप कह रहे हैं कि रेनोवेशन भी हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी हेरिटेज टूरिज़म है जिसके जिस सिलसिले में श्रीनगर शहर को ख़ास तौर से शहर ख़ास को आपने चुन लिया है, तो वहाँ कुछ आपके प्लान्स हैं जेकेटीडीसी के शहर खास में? क्योंकि इस साल तो हमारा कोई ऐसा प्लान है नहीं एक्सपेंशन का, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि इस बार बहुत सारे फैक्टर्स रहे थे जिनकी वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को अपग्रेड करने का हमने सोचा, बट अगले साल में हम सोच सकते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। बट दूसरे जो सिस्टर विंग्स हैं हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, J&K केबल कार कॉरपोरेशन, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लिए भी हैं हाथ में और कुछ कम्प्लीट भी किए हैं शहर में इस सिलसिले में। शायद साहब, हाई एंड टूरिस्ट को कैटर करने के लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? उसमें जैसे पहले भी हमने किया कि हमारे जो मैन पावर है क्या उसके लिए वो सफिशेंट है या उतनी इक्विप्ड है कि नहीं है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाई हैं। जैसे पहलगाम का क्लब देखें, उसमें हर किस्म की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, वहाँ पे ऑडिटोरियम है, बैंकट हॉल्स हैं, स्विमिंग पूल है, जकूजी सोना बाथ है, स्टीम बाथ है, आपके पास जिमनेजियम है। अच्छा, तो उस किस्म की फैसिलिटीज़ हम नई प्रोवाइड कर रहे हैं। अपनी बॉलिंग एले भी वहाँ रखा हुआ है। जी जी, वहाँ भी वो भी रखा है हमने, तो हर तरह की जो भी फैसिलिटीज़ है, जैसे वो ट्रैकिंग और हाइकिंग वगैरह के लिए कैंपिंग की ज़रूरत होती है उसमें भी हमने इस बार अपना इंट्रोड्यूस करने का सोचा है, जिसमें इस बार के प्लान में हमने अकोमोडेशन की फैसिलिटी है वहाँ उसमें। अकोमोडेशन की फैसिलिटीज क्योंकि हम टेम्परेरी रखना चाहते हैं उसमें, क्योंकि वो स्नो बाउंड एरिया जहाँ पे रहता है वहाँ पे आप फिर असेट्स पूरा साल मैनेज नहीं कर सकते। जैसे मुगल रोड की आप बात करें तो उसमें हमने सर्वे किया कि कहाँ कहाँ अपनी प्रॉपर्टीज हम रख सकते हैं, क्योंकि वो लगभग 5 महीने के आसपास स्नो बाउंड रहता है जी। इस किस्म के कुछ हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अच्छा, जो आपका सर्विस सेक्टर है, जो आपके ये मैनेजर्स हैं या बाकी लोग हैं कैटरिंग से वापस्ता है, ये जो हमारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है या जो वहाँ से ट्रेन करके आते हैं, ट्रेनिंग हासिल करके आते हैं, उनको आप एडजस्ट ही करते हैं अकॉर्डिंगली, या उनसे बेनिफिट नहीं लेते? इनफैक्ट ऐसा है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स थी, पहले हमने कहा कि इनके मसाइल सारे ठीक किए जाएँ। जैसे 174 लोग एम्प्लॉयज़ हमारे ऐसे थे जो 20 से 25 साल तक रेगुलराइज नहीं थे हुए, वो अभी भी 4,500 रुपया तनख्वाह ले रहे थे, तो जिनको रेगुलराइजेशन का हमने केस बनाया। फिर उसके बाद उनमें से लोगों को चुन के जो अभी भी थोड़ा बहुत लिटरेट हैं, जिनके पास थोड़ी बेसिक क्वालिफिकेशन है, उनको हम होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि हमारा अपना इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर है। उसके बाद फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ने खोला है टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू, वहाँ उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। लेकिन जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि अब हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि जो ट्रेन लोग हमारे पास जैसे डेपुटेशन पे आते हैं कि गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं या प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाते हैं, तो उन लोगों को हम लाएं। जैसे आप मैनेजर लाते हैं, आप शेफ लाते हैं, वेटर्स लाते हैं कि जिन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन की हुई है, तो उनको हम अपने इसमें बिट में लाने की कर रहे हैं कोशिश। ऑलरेडी हमने नोटिफिकेशन भी जम्मू के लिए भी निकाली है। उसके बाद कश्मीर के लिए हमने एक प्रपोजल इस बार फ्लोट किया था, बट फिर से मैं कहूँगा थोड़ा हालात की वजह से इसमें हम रुके कि हम जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं यहाँ कश्मीर के, लगभग 200 बच्चे हम ऐसे लेते हैं जिन्होंने MBA किया हुआ या टूरिज्म में कोई डिग्री की हुई है, वो हमारे आइकन्स रहे हैं टूरिज्म के, उनको वो घर से बैठ के काम करें, क्योंकि हमारा काम है बिजनेस करना J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, तो घर से बैठ के वो हमें बिजनेस ला के दें, उनको आने की जरूरत नहीं है, उनको मिनिमम ऑनरेरियम मंथली देंगे और 10% ऑफ प्रॉफिट देंगे। वो हमने लॉन्च की है स्कीम, होपफुली अगले समर में उसको सर वे कॉल ऑनलाइन। हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे हाई एंड टूरिस्ट की, अब जनरली ये ट्रैवल एजेंट्स जब उनसे बात करते हैं या टूरिज्म से वापस से जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहते हैं मान लीजिए क्राल संगरी में एक प्रॉपर्टी है, आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता है, या यहाँ एक पैलेस है, वहाँ आपका एक कमरा जाता है 50,000-30,000 पर भी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज़ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो उस लेवल का। एग्जैक्टली, गैप है कि जो आप एक होटल में एक रूम आप 30,000 का ले रहे हैं उससे शायद 4 times बेटर। सर महाराष्ट्र से हुआ है कॉल। हेलो जी। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, विजय गांधी। जी जी, गांधी साहब। हाँ, तो मुझे चौधरी साहब से ये पूछना था, कारगिल में जो आप हट बना रहे हो कब तक बनेगा और कहाँ पे बनेगा जी? और अभी ये गवर्नमेंट जो आई है उसमें और पहले वाले गवर्नमेंट में क्या फर्क था वो बताना, पूछना था। जी जी जी, जी। कारगिल का ये है कि जो नून कुन जैसे पहाड़ी का आपने नाम सुना होगा, एक तो उसके बेस कैंप पे हम बना रहे हैं, फिर जब आप जोजिला टनल क्रॉस करते हैं तो इसके 20 किलोमीटर के बाद हमारा एक कैंप बन रहा है, फिर हम कारगिल टाउन में भी बना रहे हैं, इसी तरह से लेह में भी जो हमारा क्लब है उसको हमने आउटसोर्स किया और कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ भी आ रही हैं।
जहाँ तक गवर्नमेंट के कंपैरिजन का है वो तो मेरा मैंडेट नहीं है, मैं उस पर नहीं बोल सकता, बट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट जितनी भी रही हैं पीछे हमेशा कॉरपोरेशन ने इवॉल्व किया है, क्योंकि कॉरपोरेशन आपकी एक कंपनी है, एक प्राइवेट एंटिटी आप कह लीजिए, तो हमेशा हमारा एंडेवर रहता है कि हम जितना इम्प्रूवमेंट हो सके इसमें हम हर साल करते रहें। जी हम बात कर रहे थे वो हाई एंड टूरिस्ट के लिए। हाँ तो मैं उसमें आपको ये बता रहा था कि जैसे हमारे पास शायद आपने जैसे कहा कि 30,000 या 50,000 का एक रूम मिलता है, शायद उससे 4 गुना बेटर प्रॉपर्टी मेरे पास चश्मे शाही में अवेलेबल हो, बिल्कुल, और है भी है। उसमें वही गैप रहा कि हमारे पास वो उतनी मैन पावर उस किस्म की नहीं थी। एक तो एडवर्टीजमेंट हम करें वो हम करते हैं, फिर आप टूरिस्ट को ला के वो कम्फर्ट वो एक्सपीरियंस दे दें जो कि आपका 5-स्टार होटल कहीं या 4-स्टार होटल कहीं देता है। हमने सोचा कि हम जैसे अगर 80 हर्ट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल चश्मे शाही में है, उसमें से 20 हर्ट्स हम आउटसोर्स कर देते हैं किसी टॉप ब्रांड को, उसमें हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारे पास फिक्स्ड बिजनेस आएगा, टूरिस्ट हमारी प्रॉपर्टी आएगा देखेगा, हमारा प्रमोशन भी होगा, ब्रांड प्रमोशन JKTDC का। दूसरा उन 20 हर्ट्स के कॉम्पिटिशन को देख के हमारे जो एम्प्लॉई 60 हर्ट्स में काम कर रहे हैं वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे ताकि वो एक्सपीरियंस हम दे सकें। और क्योंकि ये ओवरनाइट होने वाला काम है नहीं है, तो उसमें हमारी शुरुआत है कि हम जो हाई एंड टूरिस्ट जो प्रॉपर्टीज यहाँ अवेल करता है, जहाँ वो विजिट करता है, उसे जो फार बेटर है उनको एट पार लाया जाए ताकि वो एक्सपीरियंस दे सके। जी अच्छा, ये जो नई जगह टूरिज्म सेक्टर में लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, जी तो कौन सी नई जगह जो है पूरी स्टेट में इस बार भी, क्योंकि इस बार जो मेजर जो PMDP में फंडिंग हुई है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है। कॉरपोरेशन ने कुछ जैसे बंगस में शुरू किया था, वेरीनाग में, कोकरनाग में, उसके बाद हमने जो मुगल रोड के आसपास करना शुरू किया है, वहाँ के कुछ हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बट और कुछ बॉर्डर के जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए, बट क्योंकि हालात की वजह से थोड़ा हमने फोकस इस बार ले और कारगिल के पे भी रखा है, जहाँ हम 8-10 नए प्रोजेक्ट्स इस बार शुरू कर सर। वी हैव फोन कॉल, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? हाँ मैं गुलजार अहमद हूँ, अनंतनाग से। जी गुलजार साहब फरमाए। हाँ एक्चुअली हम एक रिसर्च ग्रुप है, हम चाहते हैं कि हम शाहिद साहब से पूछे कि जो आपका जो TDC है इसमें क्या हम लोगों के लिए कोई लाइवलीहुड की कोई स्कीम है, और जो आपका जो मटेरियल है वो ब्लाइंड के लिए है जो ताकि वो देख सके कि आप आपकी क्या क्या है, कहाँ पर है कुछ है, वो ब्रेल में होना चाहिए था। आपका टूरिज्म से रिलेटेड कोई बिजनेस है? हाँ नहीं, एक्चुअली हम चाहते हैं कि कुछ लाइवलीहुड की कोई स्कीम हो जो हमारे लिए भी हो। मैं सवाल नहीं समझ पाया, क्या सवाल है? कि लाइवलीहुड के लिए इनके पास आपके पास कोई ऐसी स्कीम है कि JKTDC से इनको बेनिफिट मिले लाइवलीहुड का? जैसे मैंने बड़ा अच्छा बताया हम कि हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूथ को या उसमें कोई भी हो, कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है उसके साथ ये लिंक अप करें। हम इनका नंबर अपनी वेबसाइट पर देते हैं, 10 लोग हम पंजाब के साथ लिंक कर देते हैं, 10 हरियाणा के साथ, 10 महाराष्ट्र के साथ हमारी, क्योंकि जब तक आप लोकल लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते तब तक आपका टूरिज्म प्रमोट नहीं हो सकता है। तो वो लोग इनको फोन करें JKTDC में बुकिंग करने के लिए, जो बुकिंग इनके थ्रू आती है तो घर बैठे बैठे 10% उसका ये कमा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम मंथली ऑनरेरियम जो हम इनको देते हैं। जी जी जी। तो वो पूरे कश्मीर में ये स्कीम अवेलेबल रहेगी, घर बैठ के ये काम कर सकते हैं, आपने सिर्फ फोन पर रिस्पॉन्ड करके। जो हमारे नौजवान साथी इंटरनेट यूज करते हैं वो अपने फेसबुक या ट्विटर पर वहाँ से वो कर सकते हैं, तो ये एसोसिएट हो सकते हैं हमारे साथ। जी जी सर, वी हैव अ कॉल ऑन लाइन। हेलो 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 सर। जी फरमाए, कौन साहब कहाँ से? हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शफी हूँ, कवानीर चाटरा से। जी शफी साहब फरमाए। यहाँ एक पार्क है पिछले 15-20 सालों से टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत। किस जगह? जिसका नाम है अफशा पार्क। यहाँ डायरेक्टर साहब ने 5-6 बार दौरा किया था, तो उसने कहा था कि ये अगर हम इस पार्क को डेवलप करेंगे तो लोग निशाद जाना भूल जाएंगे, तो इस पार्क पे आएंगे। ये पार्क बहुत बड़ी हाइट पे है, चोटी पे है, एक छोटी बड़ी चोटी है जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर है, वहाँ एक जियारत भी है आपका। तो मसला ये है कि पिछले 15-20 सालों से टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम भी बहुत किया है, और निशाद के तर्ज पर इसको बनाया गया है, 7 करोड़ रुपए का इसका प्रोजेक्ट बन चुका था। डिपार्टमेंट में है तो जरूर मैं उनको कन्वे करूंगा, JKTDC का वहाँ पे पार्क नहीं है, उनसे बात की जा सकती है। सर लोलाब साइड से आपका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रंगियारी लोलाब वगैरह जो है, और वहाँ से एक आपका सतबर्न भी है, कलारूस टनल भी है, इसकी डेवलपमेंट के लिए आप कुछ नहीं करते? क्योंकि कलारूस टनल मुझे लगता है पर्सनली, मैंने देखी हुई है टनल, अगर आप वहाँ डेवलप करें तो इट कैन बी अ वर्ल्ड हेरिटेज। जरूर, क्योंकि मैंने भी सुना है, मैंने पर्सनली वहाँ पे विजिट नहीं किया, बट जरूर हम एक प्लान वहाँ बना सकते हैं, क्योंकि
मोस्टली जो टूरिज्म प्रमोशन इस टाइम देखता है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, कॉर्पोरेशन का कमर्शियल विंग आ जाता है कि जहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल अच्छा है या जहाँ हम ला सकते हैं। जी जी। तो अगर ऐसा एरिया है तो जरूर हम हमारी जो कॉर्पोरेशन है उसको स्टडी करेगी, उसको टूरिज्म के मैप पे हम ला सकें, कुछ काम कर सकें, क्योंकि आज की दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जी, आपके पास गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं भी है, आप प्राइवेट फंडिंग ला सकते हैं, लोगों को अश्योर कर सकते हैं, तो जरूर उसको भी देखा जाएगा। सर, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी थी टूरिज्म की तरफ से, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, उनको इसलिए जगह जगह पर कायम किया गया था मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, ताकि वहाँ पर कोई हफजर कंस्ट्रक्शन ना हो, एक प्लान तरीके से सब कुछ बने। लेकिन इट हैज़ बीन नोटिस्ड कि वहाँ डेविएशन हुई हैं, कुछ वायलेशन हुई हैं। आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करते हैं JKTTC का, कम से कम इतना मैंडेट तो होना चाहिए कि कोई वायलेशन ना हो। जी, क्योंकि जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनका JKTTC से रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि वो लोकल एरिया की स्पेशलाइज डेवलपमेंट के लिए बनी थी। बट क्योंकि आपका पॉइंट जो है ये हम सबको इफेक्ट करता है, तो जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा गया था। बहुत सारी अथॉरिटीज़ ने मास्टर प्लान फाइनल किया, फाइनल करके नोटिफाई किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया। जहाँ जहाँ हमारा मास्टर प्लान बन गया है, फिर आपके पास अगर कोई वायलेशन होती है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत सारी अथॉरिटीज़ जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अभी जो मास्टर प्लान बनना है वहाँ ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट जैसे मैं पहलगाम की बात करूँ, वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर तो इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि जैसे टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी अगर छोटी सी अगर कोई अल्ट्रेशन करनी होती है तो उनसे जाके परमिशन लेनी पड़ती है उसको। बट अगेन अभी स्टाफ क्रंच भी, लेकिन वो जो डिविजन्स वहां हुई है उनका तो जैसे अभी कर पाए। पिछले दिनों बहुत सारा मीडिया में कवरेज था हमारे पास सोनामर्ग का भी, उसमें भी गवर्नमेंट देख रही है कि क्या उसमें अगर कोई ऐसा इशू होता है। बट नेचुरली जहां भी वर्किंग प्लान की वायलेशन है तो जरूर उसमें अथॉरिटीज काम करेंगे। कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, स्लाइटली लाउडर प्लीज। जनाब गुलाम आजम फ्रॉम लोलाब लालपुरा। जी गुलाम आजम सर, आशो जनाब आज प्रो थोड़ा सा लाउडर, आवाज आ रही है लेकिन कमजोर आ रही है। 4 वरी ब्रोट ऑफ प्रोग्राम लोल आबस जनाब या टूरिज्म लोक, मगर हाथ को ना एक्स्ट्रा एक्शन है। यूस मिनिस्टर यहां से चुमाना आना छो, यूस कांसे बला यहां से जमा या से छो, मगर ये लोला वाले जनाब हर वक्त नजर अंदाज कर लो। नमन तो गुलाम सर दुश्मन लाइन पर तू बुझो आकत में और सा जो सतवरन ता छो तोर सा यमा का तोर छो कुम जनाब टूरिस्ट का यहां तोर टूरिस्ट छ यहां दुनिया सर, मगर चंड गांव छ यहां, देवर छ यहां, डोर छ यहां, मगर सर का हिसाब छन त जाय छी। कलारुस्तान छ खजान का कलारुस पुस्तमा लोला लालपुरा से ना तांगले ताम छ खजान त केवे ताम छ खजान। जनाब 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 तो असन छन वाती ता त पोत त त पालो पेट पे वन खासन को सर उतस कलारुस केव छ टनल ना त तोर त छ टांडे ताई गसन टांडे पेट برونٹ چون گسان کہ تیل گژھو روڈ بوچس ونا لولاب لالپورا اچھا لولاب ٹھیک لالپورا دیوار ڈورو چنڈی گام چنڈی گام بنائے ہٹ واریا سر مگر تم ہٹ تے بیکار تم منچ ہا چار وے جناب کم سے کم روپے کروڑ لگو اوکتا منچ چھٹی یتسان صاحبس کیا چھو یتسان صاحبس جو یتسان کہ اس کون مت تھویو یو کن نظر اس تجیو یت کی تو اس تو بوچو تم بنے یت ہے اچھا سر जी जो मैं समझ पाया हूँ शायद इन्होंने बताया कि इनके इलाके में कुछ टूरिज्म का कोई फुटप्रिंट नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। फिर से मैं कहूँगा कि जो JK टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मैंडेट है वो ज़्यादातर कमर्शियल है कि भी हम कमर्शियल टूरिज्म जहाँ करें, एक तो अपना प्रेजेंस भी रखें और कुछ कमाएँ भी कॉरपोरेशन कर, अनलाइक टूरिज्म डिपार्टमेंट के जिनका ज़्यादातर है टूरिज्म को प्रमोट करना। एक्सपेंशन प्लान भी रखिए ना सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जैसे इस बार हमने एक्सपेंशन प्लान किया हमारे पास, जैसे बसोली में मैंने बताया कि कठुआ में वहाँ हम करने का कर रहे हैं, लेह में किया, कारगिल में किया, जहाँ हालात साजगार थे। इसी तरह रजौरी पुंछ का भी हम देख रहे हैं। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं कन्वे करना चाहूँगा कि जैसे कोई एक गाँव है हमारे पास, देखिए टूरिज्म आज वो नहीं है कि आप, क्योंकि जहाँ भी मैं देखता हूँ पब्लिक से डिमांड आती है कि जनाब यहाँ एक वेस्ट एमिनिटी बना दीजिए, यहाँ एक मैरिज हॉल बना दीजिए, उससे टूरिज्म प्रमोट नहीं हो सकता जी, है जी, जी। जब तक आप अपना ब्रांड सेल नहीं करते हैं कि वहाँ का स्पेसिफिक क्या है। ये अगर लोलाब से कॉल कर रहे हैं, ये लोलाब में एक गाँव दे दें मुझे वहाँ पर कि जहाँ के 40 नौजवान मिले और 20 हम उनको हट्स बना के हम दे दें, जैसे ट्राइबल टूरिस्ट ट्राइबल विलेज हम बनाने जा रहे हैं उस किस्म का, 10-10, 15-15 लाख रुपये हम एक जो यूनिट पर हम इन्वेस्ट करें, वही लोग वहीं के नौजवान चलाएं, उसको हम सेल करेंगे। ये एक यूनिक विलेज है जिसको से ख्वातीन चलाती हैं, औरतें बच्चियां चलाती हैं, या कोई ट्राइबल लोग चलाते हैं, या हमारे कश्मीरी नौजवान चलाते अपने हैं प्रोडक्ट्स वहां बेचे। और उसमें मैं तो इनको ये ऑफर दे सकता हूं कि उसमें इन्वेस्टमेंट हमारी रहेगी, ये आए आगे 20% प्रॉफिट हम लेंगे, 80% प्रॉफिट भी इनको हम देंगे। चलिए, क्योंकि टूरिज्म तभी प्रमोट हो सकता है अगर सिर्फ हम बिल्डिंग्स बनाएं, हट्स बनाएं, उससे टूरिज्म प्रमोट नहीं हो सकता। जी 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 सर, वी हैव लास्ट कॉल पर। हेलो
हेलो हेलो सर जी फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं पुडलीपोरा यूसमर्ग से बोल रहा हूँ सर। जी फरमाए, पूछिए। सर यहाँ पे हमारा जो एरिया है YDA के तहत है सर। अच्छा। यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत। अच्छा सर, यहाँ पे तरक्की के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है सर, टूरिस्ट भी कम आ रहे हैं, यहाँ पे जो पार्क्स है वो अभी तक नहीं बनी है सर। यूसमर्ग तो काफी पुराना डेस्टिनेशन है। हाँ सर, अभी तो अभी जो टूरिज्म का है यहाँ पे अभी तक उतना आजकल नहीं है सर। यहाँ पे जो पार्क्स बनने थे वो भी अभी नहीं बने सर। चलिए साहब ने आपका सवाल सुन लिया। जी जी, क्योंकि कॉरपोरेशन की तरफ से वहाँ लॉग हट्स वगैरह बनाने का, बड़ी खूबसूरत लॉग हट्स वहाँ पे अभी हमने बनाई है वहाँ पे यूसमर्ग में अभी, और इस साल के भी प्रपोजल में वहाँ पे है। और क्योंकि यूसमर्ग का इन्होंने कहा, वहाँ पे हमने ट्राइबल टूरिस्ट विलेज भी इस बार हमने प्रपोज किया था, बहुत सारे लोग आए थे, उनके साथ हमने विजिट भी किया वहाँ पे। इंशाल्लाह अगले समर में हम वो भी कर सकते हैं। मैं इनसे कहूँगा 10-15 नौजवानों को ये इकट्ठा करें और कोई एक गांव को उस तरह से डेवलपमेंट करें। जी जी। जैसे कन्वर्जेंस में हमने किया कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम मिलकर कोई गांव डेवलप करें, कि टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के दें, जो सिविक कम्युनिटीज हैं वो बना के दें, लेकिन लोगों की पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी है। यूसमर्ग में भी मुझे लगता है कि आज की डेट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी कमी नहीं जितनी शायद इनके सवाल में रिफ्लेक्ट हो रही है, बट हाँ काम करने का स्कोप काफ़ी है वहाँ पे। वाटर कंजर्वेशन का है और लगभग कोई 12 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पिछले साल सेंक्शन हुआ है, जिसमें अभी जो बडगाम की मीटिंग है उसमें भी हमने उसका रिव्यू देखा कि भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से काम हो रहा है। के बारे में आपका क्या प्लान है या नई लोकेशन आपको तो उसमें ध्यान मिली थी? हम तो उसमें कर रहे हैं, बट वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, उसमें ऑलरेडी हमने असेसमेंट की है कुछ वहाँ पे अपना अकोमोडेशन वगैरह बनाने की, तो होपफुली अगले साल उसमें हम काम शुरू कर सकते हैं। नए जो आपके प्लान से जम्मू, अब देखिए जम्मू में जो आपका TRC कॉम्प्लेक्स है जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लोग गर्मियों मतलब सर्दियों के आयाम में ज़्यादा जम्मू जाते हैं और फिर उनको एकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब वहाँ आपके TRC के काउंटर पर जाते हैं तो सबसे पहली बात वहाँ सुनने पड़ती है, नहीं सब जगह नहीं है, कमरा नहीं है, ऐसा क्यों है सर? उसमें यह है कि जैसे हमारे पास TRC जम्मू में 140 के आसपास रूम्स हैं वहाँ पर, अब जब सर्दियों में अगर आप देखेंगे ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल हमारे पास नहीं था होता ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसमें से हमने 100 रूम जो हैं वो 100-110 रूम स्टेट्स डिपार्टमेंट को देने शुरू किए एम्प्लॉयज़ को 6 मंथ्स के लिए। जी जी। 6 मंथ्स में हम अच्छा बिजनेस करते हैं, हमारे पास टूरिस्ट अच्छा होता है क्योंकि विंटर जम्मू के लिए ऑफ सीजन हो जाता है, तो हमें बेनिफिट मिल जाता है कॉरपोरेशन का वही सेफ इन्वेस्टमेंट का कि हम उनको स्टेट्स को दे दें, बट फिर 30-40 रूम्स हमारे पास वहाँ अवेलेबल होते हैं, फिर दूसरी प्रॉपर्टीज़ में भी उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो TRC में हमने एक्सपेंशन का भी किया है, लगभग हमने 6 कनाल ज़मीन वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग थी उनको डिमोलिश किया और नई अकोमोडेशन इस बार क्रिएट करने जा रहे हैं। शाह साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास इतना ही वक्त था आपसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।